नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग सेटअप के बारे में। जी हाँ, सबसे कम बजट में आप एक बेहतरीन लाइटनिंग सेटअप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत से यूट्यूबर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास या तो नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं होती है या जहाँ हम शूट करते हैं उस कमरे में प्रॉपर लाइटनिंग सेटअप नहीं होता है। अब इसके दो ऑप्शन हैं कि या तो हम अपने लाइटनिंग सेटअप को इतना इम्प्रूव कर लें जिससे वीडियोग्राफी में एक वाव फैक्टर आ जाए, या फिर हम महंगे LED रिंग लाइट्स खरीदें या महंगे वीडियोग्राफिक लाइट्स खरीदें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही कम बजट में कैसे अपना लाइटनिंग सेटअप अपने वीडियोस के लिए बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव, अ लाइट स्टैंड। मैं इसको ओपन कर देता हूं। ये हमारा लाइट स्टैंड है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्रोलाइट कंपनी का लाइट स्टैंड है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये काम कैसे करता है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आप इसको खोल लेते हैं ऐसे। इसमें तीन लॉक्स दिए जाते हैं। इन तीन लॉक्स की मदद से आप इसकी हाइट को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना आपको चाहिए। मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। तो ये कुछ 420 या 430 रुपए का मुझे लाइट स्टैंड पड़ा था और बहुत ही ड्यूरेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। सेकंड चीज जो मैंने वहां से खरीदी वो है इसका एडाप्टर। ये बेसिकली एम्ब्रेला और दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द एडाप्टर और द ब्रैकेट एज वी कॉल इट। आप इसको ऐसे यूज करते हैं। इसमें तीन स्क्रू हैं। एक स्क्रू है जिससे आप इसमें इसको एडजस्ट करते हैं, सेकंड जो स्क्रू है उससे इसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, और थर्ड स्क्रू है उससे बेसिकली आप अम्ब्रेला को टाइट और लूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये मैंने इसमें फिट कर दिया है। अगर सपोज करो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको डायरेक्शन को इस स्क्रू से यहाँ से इजीली चेंज कर सकता हूँ। अब बहुत जगह पे इसके अंदर दोस्तों ये जो बल्ब का होल्डर होता है ये बेसिकली चूड़ीदार होता है, तो बहुत जगह पे प्रॉब्लम आती है कि आपको जो नई जो LEDs आती हैं वो चूड़ीदार नहीं होती हैं, तो आपको इसमें एक कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। वो कन्वर्टर कुछ ऐसा होता है, ये 50 रुपए का कन्वर्टर मैंने लिया था। आप इसको इस कन्वर्टर को ऐसे ही इसमें फिट कर देते हैं, आप कोई भी लाइट लगा सकते हैं। इसके साथ जो एक इक्विपमेंट आपको और चाहिए वो चाहिए एक अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला, ये व्हाइट कलर की प्रोलाइट की ही अम्ब्रेला है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप इजीली इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जो इसका सेंटर स्क्रू है, मैं इसको लूज कर देता हूं यहां से, इसकी हाइट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और सेंटर स्क्रू में ये देखिए, दिस इज हाउ इट कैन बी एडजस्टेड एंड इट कैन बी टाइटेंड। अब यहाँ इस होल्डर में आप कोई भी बल्ब यूज कर सकते हैं और इसे अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देके इसको आप चालू कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है और बहुत से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स इसे यूज करते हैं। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है और बहुत ही कम पैसे में कम खर्चा करके अगर आप अपनी लाइट स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊं ये लाइट जलने के बाद दिखता कैसे है, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट लाइट यहां से आएगी। बहुत ही सॉफ्ट लाइट यहां से आएगी और यह प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल है।
ये 20 वॉट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे और आप इसका लाइट इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लाइटनिंग सेटअप के बारे में, और अगर आप लाइटनिंग सेटअप से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी राय है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।